हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, यहाँ पर बीकॉम का रेवोल्यूशन का फॉर्म आपको फिल करके बताऊंगा, कंप्लीट पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका रेवोल्यूशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कब तक होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर आपको रेवोल्यूशन का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, ए टू जेड, आपको प्रिंट तक, फॉर्म प्रिंट तक सब तक बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट यहाँ पर देखिए। इससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो गाइस, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हो यूनिराज यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक पैनल आएगा, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का पैनल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जामिनेशन पर आपको क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा ऑनलाइन एग्जाम फॉरम 2022 आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में जो लिंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास में पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेवोल्यूशन का फॉरम का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, रेवोल्यूशन फॉरम पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो यूजी का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। लास्ट तारीख आपको 9 जुलाई यहाँ पर दी हुई है, तो आप 9 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉरम लगा सकते हो रेवोल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं मेन चीज़ यहाँ पर कि आपको लगाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रेवोल्यूशन का आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन, तो फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर यूजी सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपको बीकॉम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। समझ चाहूँगा, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर यहाँ पर आ चुका है, तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने बोला जा रहा है रोल नंबर यहाँ पर डालना है, तो रोल नंबर के लिए आपके जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना होगा। रोल नंबर डालने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने पॉपअप आएगा 50% का, तो हमें यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, कॉलेज और रिजल्ट भी आपका देखने को मिल जाएगा। तो आपको रिजल्ट भी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके जो भी सब्जेक्ट में कुछ भी जिसमें भी आपको रेवोल्यूशन लगाना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप एक से अधिक भी फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, 2 या 3, जैसे कि जो भी करना चाहते हो। फिलहाल मैं एक यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डाटा फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। तो एड्रेस आप कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं कि आखिरकार एड्रेस कौन सा, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा या फिर एग्जाम सेंटर वाला, या फिर हम रूम पे रह रहे हैं वहाँ का, या फिर अपना पर्सनल एड्रेस भरना होगा। तो दोस्तों, पर्सनल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, जहाँ पर आपका घर है, होम वाला जो है आपका, वो एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली एड्रेस यहाँ पर डाला जाता है, ऐसा नहीं कि आपकी हार्ड कॉपी वहाँ पर घर पर भेजी जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं है, चेक होगी केवल। एड्रेस डालना होगा, पिन कोड नंबर और जन्मतिथि आपके यहाँ पर फिल कर देनी होगी, और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। पर सब्जेक्ट का आपको 300 रुपये चार्ज यहाँ पर लगेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो आपके 700 रुपये लगेंगे, पर सब्जेक्ट के 350 रुपये के हिसाब से आपके लगने वाले हैं। सभी डाटा फिल कर लीजिए, इसके बाद में नीचे आना है। जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हैं, हमारे सामने पेमेंट की स्लिप आ जाती है, जिसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है इसका प्रिंट, आपको इसका प्रिंट ले लेना होगा, क्योंकि चालान नंबर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको इसका प्रिंट ले लेना होगा। प्रिंट आप देख सकते हो यहाँ पर, फॉरम नंबर जो चालान नंबर है उसका आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आते हैं, अगर पेमेंट अटक जाता है तो यही काम आते हैं। तो इसके लिए प्रिंट ले लीजिए, उसके बाद में आपका डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिए, और उसके बाद में मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पर पेमेंट सेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में प्रोसीड कीजिए।
प्रोसीड करने के बाद में आपका यहाँ पर डाटा आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर 350 रुपये लगेंगे। कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर सब कुछ यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में कार्ड के CVV नंबर यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करके आपका पेमेंट यहाँ पर कट करवा लीजिए। आपका पास में OTP आएगा, OTP जैसे डालेगी आपके पेमेंट कट हो जाएगा और आपका पेमेंट फॉर्म फिल हो जाएगा। फिलहाल फॉर्म जो ही फिल हो उसका प्रिंटआउट निकाल के अपने पास में रख लीजिएगा। फिलहाल वो रेवोल्यूशन का फॉर्म आपकी कॉलेज में जमा होगा, यूनिवर्सिटी में अगर नॉन हो तो यूनिवर्सिटी में जमा होगा, तो वहाँ पर जमा ज़रूर कराइएगा। फिलहाल दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपके इससे रिगार्डिंग कोई भी अप डाउट आपके पास में नहीं रहा होगा। इसी के साथ में अगर आप फॉर्म प्रिंट करना चाहते हो तो आप फॉर्म प्रिंट करने के लिए तो आप यहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर पेमेंट कर दिया, पेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेज में प्रॉब्लम हो गई तो आपको क्या करना होगा, वापस आना होगा। और वापस आने के बाद में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रेवोल्यूशन के फॉर्म पर क्लिक किया, उसके बाद में आपको रीप्रिंट फॉर्म का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो रीप्रिंट फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, अपना रोल नंबर डालना होगा, चालान नंबर डालना होगा और उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।